तो वही लोग कैसे हो, आ चुके फिर से एक लीचस से भरा पड़ा अब जीता मुबली लाइट गेम प्ले फीड पे। और आज के सब लोग उतर चुके हैं ई स्पोर्ट पे। अब उतरते गाइस आप लोगों ने शायद एक बंदे को शायद देख भी चुके होंगे जो कि सामने की तरफ उतर, तो चलो यार उसको भी निपटाते हैं ना। और भैया जी आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बताता हूँ यार रुको जरा सबर करो, इतना भी जल्दी क्या है। हाँ बराती में जाने वाले क्या, शादी वादी करने वाले क्या, और शादी में कर ले और अपन को भी नहीं बुला लो। हाँ क्या भैया, और ये देखो ब्राउन मुंडा मेरा किल चोरी कर रहा था। अबे इतना गोली मार रहा हूँ मर नहीं रहा यार। हाँ चलो ब्राउन मुंडे को तो निपटा दिया, लेकिन इसका जो व्हाइट मुंडा है ना वो अभी भी जिंदा था। लेकिन देखना वो इतना वो निकलता है ना कि भैया अपने टीबेट को छोड़ के भगने वाला था है ना। तो बताता हूँ यार आज किस वाली गेम प्ले पे स्पेशल क्या होने वाला है। तो यार आज किस वाली गेम प्ले पे स्पेशल ये होने वाला है कि आज मैं एक ऐसे बंदों को निपटाने वाला हूँ जो कि भैया सुपर फास्ट भाग रहा था। मतलब भैया इतना फास्ट कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना फास्ट कि मतलब तुम देख लो यार, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग देख लो ठीक है ना। और उसको मैं मारने वाला हूँ समझ रहे हो ना, तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो कर दो अभी के अभी। बाकी देखो मैं आ चुका था स्पोर्ट पे, ई स्पोर्ट पे क्यों यार, मैं आ चुका था थर्ड हिल पे। और ये देखो बंदर, अरे भैया जी तुम तो आसमान से कूदे सीधा खजूर में अटके है ना। नहीं नहीं खजूर में नहीं, मेरे गाड़ी में अटके है ना। तो देखा आप लोगों ने, ये बंदा ऊपर से कूदा और मेरे गाड़ी पे टपक गया और बेचारे को निपटा दिया मैंने। अब देखो जो स्पेशल बंदा है ना वो यहाँ पर था जो कि इस वाले घर में, तो नेट तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि गोली जब नहीं लगता तो नेट का एक लग जाएगा है ना। तो फिर भी मैं जाता हूँ अपना मतलब जिगर को मतलब हाथ में लग के रेडबुल पी के, और यहाँ पर मैं गोली चलाता हूँ बेटा। ओ भैया आप लोगों ने देखा, भैया क्या ही स्पीड से भागा आप लोगों ने देखा। अब आप लोग नीचे कॉमेंट में बताना कि भैया ये जो बंदा था ना, ये बंदा कौन सा वाला सुपर हैक यूज़ किया था। मतलब मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग बताना ठीक है ना, मतलब कौन सा वाला जादू मंत्र यूज किया था बताना नीचे कमेंट में। बाकी तभी यहाँ पर मेरे को एक जलपरा दिख चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक जलपरा को निपटा के आते हैं। और देखो यार मतलब दो किल मेरा यहाँ पर चोरी हो गया, एक तो भैया पबजी वाले ने ले लिया और वहाँ पर भैया ब्राउन मुंडे ने ले लिया था मेरा किल चोरी। मतलब समझ रहे हो ना, अभी तक मेरा 6 किल हो जाता, मतलब क्या ही बताऊँ यार, सभी मिलके हमारा मार रहा है समझ रहे हैं, मतलब मार नहीं रहा है, हो रहा है कुछ भी हो रहा है ना। तो उसके बाद देखो मैं सीधी उधर को आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने, और सोचता हूँ चलो यार ड्रॉप वगैरह लूटेंगे कहते हैं मज़े करेंगे है ना। और आप लोगों को पता है ना हमारा अभियान क्या चल रहा है कि भैया अगर RPG-7 मिले तो उसका गोली उठा लो। ये देखो भैया RPG-7 मिला, गोली उठाया, तब ये भैया बॉट भाई सब पहले बोलते कि भैया हमको मारो, मतलब हमको पहले मारो उसके बाद सबको मारना। तो हमने भी बोला ये लो बेटा मार दिया। अब चलो ये जो मेरा वो है ना मतलब RPG-7 का गोली, उसको यहाँ पर घास में छुपा देता हूँ ताकि कोई देख ना पाए है ना। 20 फुट दूर आगे मैं घास में छुपा रहा हूँ, देख रहे हो ना भैया मेरा दिमाग तो देख रहे हो, IQ तो देखो भैया, लाइक तो बनता है ना। तो देखो उसको तो मैंने छुपा दिया, उसके बाद मैं सीधा इसके पीछे पड़ चुका था कि भैया इसको पकड़ेंगे तभी छोड़ेंगे है ना। तभी बॉट भाई साहब मैंने बोला ना कि भैया पहले उसको निपटाना चाहिए बॉट भाई साहब को, क्योंकि कल उसी से बढ़ता है और KD भी उसी से बढ़ता है ना। तो उसके बाद मैं सीधा इसके पीछे पड़ चुका था, ये देखो मेरा हल्दी वाला गाड़ी और उसका गुटखा वाला गाड़ी, कहते लाल लाल हो रहा है ना। तो हमने भी बोला भैया गुटखा वाले रुको जरा सबर करो, हम भी आ रहे तुम्हारे पीछे है ना। तो मैं उसके पीछे आ तो रहा था, लेकिन अचानक से भैया गुटखा वाला कहाँ गायब हो गया, और भैया अपन उसको देख नहीं पा रहे। तभी यहाँ पर मेरे को जीप दिख गया, तो मैं उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि गुटखा वाले को भैया समझ रहे हो ना उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है, जो लोग गुटखा खाते हैं ना उनका बहुत टैलेंट होता है ठीक है, तो उनसे निपटना नहीं चाहिए कभी भी है ना। तो इसीलिए मैं सीधा इनके पीछे पड़ गया, और ये देखो दो कार, और ये जो दो कार है ना, इन दोनों कार में जो दो बंदे हैं ना वो अलग अलग बंदे नहीं है। हाँ ठोका ठाकी कल लाए वो अलग बात है, पता नहीं उनका भाई भाई में झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो लेकिन ये लोग अलग बंदे नहीं है, ये असली बंदे हैं, मतलब एक ही टीम के बंदे हैं ठीक है। तो एक बंदे को तो मैंने निपटा दिया, लेकिन उसका जो भाई था ना वो भैया अलग ही गुस्से में आ गया और बोल रहा कि भैया मेरे भाई को मारेगा, रुक जरा सबर कर, हम भी तेरे को पेटी बनाएंगे। तो भी ये देखो गाड़ी फंस गया, और हमने भी बोला लो बेटा कंटाप
और इसको भी अपने भाई के पास पहुंचा दिया है ना, इसको भी बहुत ही प्यार से पेटी बना दिया और बोला कि भैया जाओ लॉबी पे जाओ और फिर जाके झगड़ा करो है ना, अपना अपना भाई का और वो का मतलब कर लो यार, जो भी तुम्हारा सीन है वो निपटा लो लॉबी पे जाके, यहाँ पर कचड़ा मत करो है ना। तो इसलिए उन लोगों को भेज दिया। भेजने के बाद मैं सीधे इधर को आता हूँ और इधर को मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि इस वाले सी बिल्डिंग के अंदर था, इसको सी बिल्डिंग ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं ना, तो जो भी बोलते हैं, इस वाले घर के अंदर था, इसको सी बिल्डिंग नहीं बोलते बे, सी बिल्डिंग तो वहाँ पर रहता है ना पायलट प्लाजा पे। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बॉम्ब तो किया लेकिन बंदा इधर को था, तो चलो मारते हैं कंटाप। और इसको मार के फुल फिनिश भी कर देता हूँ। फुल फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैं लूटा हलाडी करता हूँ और सोचता हूँ इसके पास कुछ बढ़िया लूट मिलेगा, लेकिन बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था है ना। तो उसके बाद मैं सीधा गाड़ी वीडी उठाता हूँ और इधर को आ जाता हूँ और इधर को ना एक बॉट ना तब से भैया टू कुछ ताकाच करता ही रहता है, करे जा रहा था है ना। तो हमने भी बोला कि किसको मार रहा है, तभी मैंने देखा कि भैया यहाँ पर तो कहते मैडम जी या फिर भाई जी पता नहीं कौन है ना, मतलब आराम से गाड़ी पे बैठे हुए। तो हमने बोला कि इसके ऊपर मैं गोली वेस्ट नहीं करूँगा, इसको ना कते बॉम्ब से मारूंगा, इसको भी पता चले कि भैया मौत किसको बोलते हैं ना। तो इसको आराम से ग्रेनेड करके मार दिया, मतलब कते वो कर दिया यार, मतलब फाड़ दिया, समझ रहे हो ना। तो निपटा दिया, निपटाने के बाद मैं सीधा गाड़ी वीडी पकड़ता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और लास्ट बंदा बचा आप लोग जैसे देख रहे हो, और लास्ट जो बंदा है ना वो यहीं पर, अरे भैया ये तो गुटखा वाला बंदा है, अभी तक ये टिका हुआ है। अरे देखा मैंने बोला ना कि भैया जो गुटखा खाते हैं वो उनके पास बहुत टैलेंट होता है, तो ये देखो भैया। और चलो उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है नेट का, तो चलो उसको निपटा के आते हैं भैया को है ना, और भैया को बोलते हैं भैया जी लोकंटा। और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया विनर चिकन डिनर। उसके बाद गाइस आ चुके हैं नेक्स्ट वाली गेम प्ले पे मैं उतर चुका था यहाँ पर, पता नहीं कौन सी जगह है ना, बता देना नीचे कमेंट में। बाकी यहाँ पर मैं उतर तो चुका था, लेकिन अभी सुनना ध्यान से, सुना गाइस एक बंदा भैया बाइक लेके भाग रहा है यार, अबे रुक जा, मैं कैसे भागूंगा, अबे रुकना, अबे गाड़ी देके जा, तू चला जा, तेरे को नहीं मारूंगा मैं, लेकिन गाड़ी तो देते जा यार, मतलब यार ढिंचक पूजा वाला स्कूटी लेके भग गया यार, अब मैं कैसे करूंगा, अब तुम ही बताओ मैं कैसे गाना गाऊंगा है ना। तो भैया भग गया वो, लेकिन एक बंदा ना इस वाले ट्रिपल हाउस के अंदर था, तो हमने भी बोला कि चलो यार इसको भी देते हैं कंटाप है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया दिया नहीं है, भैया लो बेटा कंटाप। अब ये वाला बंदा तो बड़े अलग ही नशे में था, पता नहीं क्या था है ना। तो तभी इसको जैसे निपटाता हूँ ना, तभी एक और बंदा भाई मेरे पे रस बोल देता है, देखना अभी आएगा, अबे आना। हाँ चलो ये बंदा भी निपट गया है ना, अब ये बंदा निपट गया, लेकिन इसका टीममेट अभी भी जिंदा था, तो मुझे लगा कि भैया इसका टीममेट नीचे वीचे होगा, लेकिन भैया उसका टीममेट मेरे को दिखता ही नहीं है भैया है ना। तो आ जाते हैं अपन यहाँ पर और चलो इसको निपटाते हैं। अब देखो उसका किल तो मिल चुका था, तभी ये कुछ बॉट भाई साहब, तो भैया चलो केडी तो बढ़ाना पड़ेगा है ना भैया जी, केडी बढ़ाना चाहिए, बॉट मारो केडी बढ़ाओ, सिंपल सा बात है। उसके बाद मैं सीधा इधर को आ जाता हूँ और इधर को आने के बाद सामने की तरफ मेरे को कुछ बंदे दिख जाते हैं जो कि भैया तब से भैया भम किए जा रहा है। हमने भी बोला कि भैया कौन है बे, हमने भी बोला तो चलो यार देखते हैं यार कौन है बंदा, चलो निपटाते हैं। ये देखो भैया इसको भी बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद मुझे लगा कि भैया इसके पास एस्ट्रोल के होगा, और हाँ इसके पास एस्ट्रोल के होता है, और अपन ने उठा भी लिया। अब यार देखो भैया जी, जो बंदे बोलते हैं ना भैया कि मतलब कुछ नहीं है, डब्ल्यूएम उठाओ और निकल लो यहाँ से है ना, क्योंकि सामने की तरफ कुछ बंदे बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह कर रहे थे। तो हमने भी बोला कि चलो यार गाड़ी वीडियो उठाते हैं और सामने की तरफ भगते हैं, और सामने की तरफ बहुत सारे बंदे थे, तो किल लेने का अभी मौका है। और तभी यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि बॉट लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था, और देखो यार
बॉट सिर्फ अपुन ही मार सकते क्योंकि बॉट मारने का हक सिर्फ अपुन के पास है, क्योंकि पबजी वालों ने अपुन को बॉट बनाया है ना, तो अपुन को बॉट मारने का हक है, तुम लोग नहीं मार सकते हो। तो अपुन ने बोला कि भाई तू क्यों मार रहा है यार, बॉट मारेंगे हम, ये ले भम भम, और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद मैं गाड़ी वीड़ी चढ़ता हूँ, लेकिन देखना यहाँ पर कते मेला लग जाता है बे, मतलब ऑडी लैम्बोर्गिनी फिर जो भी बोलो खटारा है ना, सब गाड़ी यहाँ पर ही आ जाते हैं भैया। तुम लोग देखते रहना कितने सारे गाड़ियाँ यहाँ पर आता है, ये देखो एक गाड़ी आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी अभी देखना यार कितने सारे गाड़ियाँ आता है। मतलब हमने भी बोला कि भैया गाड़ी का मेला यहाँ पर ही लग जाता है क्या, ये देखो भैया ये देखो बंदा, ठीक है। और तब ये बंदा कहाँ से टपक जाता है, और खुले में भैया, खुले में भाई, इतना जोश कहाँ से आता है भाई। चलो इसको निपटाते हैं, और इसको भी बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। ये बंदा फंस चुका था भैया, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा था ना, तो इसको पता ही नहीं था भैया कि वो जाए तो जाए किधर, मतलब हम जाए तो जाए किधर, है ना, वो सीन हो जाता है इसके साथ। लेकिन उसको बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं घूमा घूमी करता हूँ भैया, कोई बंदा ही नहीं दिखता। तभी ये बंदा भैया तब से ना मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसके साथ थोड़ा सा मजाक करते। ये देखो भैया, मतलब हॉर्न मार रहा है यार गाड़ी रोक के, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का। लेकिन गाइस यहाँ पर मैंने ना बहुत गलत सीन कर दिया, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा रुक के ना आराम से ना एम लगा कर ना उसके सर पे ना टकला पेट, मतलब टकला फोड़ देना चाहिए था, है ना, मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया, मतलब है ना। तो चलो यार उसको फिनिश ही करते हैं भैया, बहुत टाइम से ये परेशान कर रहा था। ये लो बेटा भम भम, अबे मरा नहीं, कहाँ चला गया अबे, चलो उसको निपटा के आते हैं। अरे भैया जी तुम कहाँ जाओगे, तुम जहाँ जाओगे वहाँ मुझे पाओगे। ये लो बेटा भम, अरे ये लो बेटा भम, हाँ निपट गया। चलो इसको भी बहुत ही प्यार से अबे मिर्गी लग गया क्या मेरे को, नहीं निपट गया, ओके अब निपटना का क्या हो गया यार। निपटने के बाद मैं सीधे इधर को आता हूँ, और इधर को मेरे को कुछ बंदे दिखते हैं, और कुछ नहीं गाइस यहाँ पर तो भैया दो बंदे थे, और उनमें से एक बंदे के पास S12 का भी था, मतलब देखो क्या होता है ना। और यहाँ पर आता हूँ, ये लो बेटा कंटा, चलो एक S12 के वाले को तो निपटा दिया, लेकिन उसका जो टीममेट था ना वो भैया अलग ही गुस्से में आ गया। भैया हमने भी बोला रुको बेटा तुमको भी देते कंटाप, और ये लो बेटा कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, आ जाओ, ये लो बेटा भम भम भम, चलो खत्म। इनको भी बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लूटा लाटी करने लगता हूँ, और सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बचा था। और गाइस यहाँ पर जो सीन होने वाला है ना वो तुम लोग देखते रहना। यहाँ पर मैं ऊपर में चढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि भैया आराम से AWM का हेडशॉट मारेंगे, कहते हैं मज़े आ जाएंगे, है ना। तो बंदा मेरे को दिख चुका था जो कि सामने की तरफ था, ये देखो भैया सर दिखाया, ठीक है। लेकिन अब ये भी सीन देखना, अब ये भी क्या करेगा देखना वो, ठीक है। अब जैसे मैं स्कोप को ऑन करूंगा ना फिर से देखना, ओरे मैया जी S12K नहीं है यार, RPG भागो भैया जी, उसके पास RPG 7 है भैया, मतलब मेरा अभियान कहाँ गया बे। मैंने बोला था ना कि भैया RPG 7 कोई नहीं उठाना, यार तुम लोग तो भैया हराम ही हो रहे हो दिन के दिन। तो चलो यार इसको भी निपटाते हैं, मुझे ऐसा लगा इस वाले ड्रॉप को मैं लूट रहा था, मुझे लगा कि भैया RPG मिल जाएगा तो RPG vs RPG हो जाएगा, लेकिन RPG तो नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यार उसको नेट से ही मारते हैं, बंदा ऊपर में, लेकिन कब बंदा नीचे आ जाता है।